हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैनिक स्मार्ट क्लास। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो है SARS-CoV-2, ए टाइप ऑफ कोरोना वायरस। अब तक तो शायद बहुत लोगों को इस कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा, ये बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन कुछ कम लोग ही है जिनको इसके बारे में डिटेल्स पता है। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेरियस एग्जाम देते हो, जाते एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम, तो इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ओके, और एक वीडियो क्लिप में भी मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं। SARS-CoV-2 क्या है? ए टाइप ऑफ कोरोना वायरस। द नेम कोरोना वायरस डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड कोरोना एंड मींस क्राउन। क्राउन तो पता ही होगा, दैट इज मुकुट के तरह, इस तरह का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? आवर क्राउन। तो इसके क्राउन जो होता है, ये क्राउन एक लैटिन वर्ड है, कोरोना एक लैटिन वर्ड है, जिसका मीनिंग है व्हाट? क्रॉन। तो इसी के नाम पर कोरोना वायरस पड़ा। कैसे? देखिए, एक वायरस होता है जिसके आउटर सरफेस पर एक क्रॉन की तरह अपीयरेंस होता है, जिसे हम लैटिन में कोरोना कहते हैं, तो इसीलिए इस वायरस का नाम पड़ा कोरोना वायरस। अब हम आते हैं, ये कोरोना वायरस फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? जून अल्मेडा एक लेडी वायरोलॉजिस्ट जो कि स्कॉटिश थी, उसने और डेविड टायरेल जो एक ब्रिटिश वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कोरोना वायरस फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया इन ह्यूमन बॉडी, जो कि कोल्ड सिम्टम्स देते थे। कब? 1965 में। तो बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, सब बोलते हैं कि कोरोना वायरस फर्स्ट वुहान में देखा गया, जो कि चाइना के एक सिटी है। नो, 1965 में ही कोरोना वायरस देखा जा चुका था। किनके द्वारा? न, दो वायरोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट जून अल्मेडा और डेविड टायरेल। समझ में आ गया? दोनों वायरोलॉजिस्ट थे, वो ह्यूमन बींग के बॉडी में एक वायरस देखे जिसका आउटर सरफेस क्रोन की तरह दिख रहा था, बहुत सारा स्पाइक्स, क्रोन की तरह स्पाइक्स उनमें था उस वायरस में, तो इसीलिए वो उनके नाम दिए कौन सा वायरस? ना, कोरोना वायरस। क्लियर हो गया? ओके, नाउ दिस वायरस कंटेन्स क्रोन लाइक अपीयरेंस इन इट्स सरफेस। Already I explained. Now see, कोरोना वायरस आर ग्रुप ऑफ RNA वायरस। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, दैट इज कॉल्ड RNA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और कौन से स्टैंडर्ड है? सिंगल स्टैंडर्ड। देखिए, DNA हो या RNA हो, या इधर डबल स्टैंडर्ड होते हैं, इधर सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, तो ये है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। किसका? कोरोना वायरस का। और यही आरएनए में एक तरह का हेरिडिटरी मटेरियल। अब हेरिडिटरी क्या है? ना, हेरिडिटरी मीन्स आपके अनुवंशिक गुण को जो लेके आता है, जैसे आप अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर अपने आप पर देखते हैं। कैसे? ना, पेरेंट्स का कैरेक्टर एक स्ट्रक्चर लेकर के आता है जिसे हम कहते हैं जीन। तो वो जीन जो है वो आपका पेरेंट्स का कैरेक्टर लेके आता है। ये वायरस का कैरेक्टर किसमें होता है? ना, जीन में। और वो जीन कहाँ होते हैं? ना, आरएनए में। और वो आरएनए किस तरह का होता है? ना, सिंगल स्टैंडर्ड ना डबल स्टैंडर्ड, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड। समझ में आ गया। अभी देखिए दैट कॉज डिजीज इन मामल्स एंड बर्ड। देखिए कोरोना वायरस किसमें डिजीज कराता है? मेनली मामल्स एंड बर्ड्स में। मामल्स मीन्स स्तनधारी, जैसे कि हम लोग जो माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराता है उसे हम बोलते हैं क्या? मामल। जैसे कि ह्यूमन बींग, काउ, तो ये सब हमारा, शेर, तो ये सब हमारा मामल्स में आता है। और बर्ड्स, तो ये देखिए ये कोरोना वायरस किसको अफेक्ट कराता है? ना मामल्स को एंड बर्ड्स को अफेक्ट कराता है। सिम्टम्स क्या है? ना ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन करता है। देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब ये हमारा जो हम लोग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन माने इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रेस्पिरेशन ट्रैक हमारा कहाँ से शुरू होता है? नोज से, नाक से, उसके बाद थ्रोट जिसे हम गले कहते हैं, तो उसके अंदर एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स जाता है, लैरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया, और वो ट्रैकिया ये सब बड़े बड़े ट्यूब है, तो ये ट्यूब दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया अगेन डिवाइडेड इनटू ब्रोंचस, और एक ट्यूब में डिवाइड होता है, जैसे देखिए ये है ट्रैकिया, अगेन इट डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स दैट इज कॉल्ड ब्रोंचस, एंड दैट ब्रोंचस एंटर इनटू द लंग्स। फिर ये ट्यूब अगेन डिवाइड होता है जिसे कहते हैं ब्रोंचियोल, और ब्रोंचियोल अगेन एक्सटेंड टू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब होता है पाउच, छोटे छोटे बैलून की तरह, और जिसे कहते हैं अल्वियोली, उसी में हमारा गैस का स्टोर होता है और एक्सचेंज होता है, एंड दैट टोटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड व्हाट? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली कोरोना वायरस ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट करता है, माने डैमेज करता है। तो अभी आप देखिए ये SARS-CoV-2, इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कोरोना वायरस 2। अभी आप देखिए ये इसके साथ रिलेटेड है कि नहीं, सार्स के साथ। देखिए सार्स का जो वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस 1, जो कि सार्स में देखा गया था 2002 में। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ वायरस, बहुत सारा सिमिलरिटीज था। कोविड-19 में जो कोरोना वायरस है उसके काफी हद तक सिमिलरिटी सार्स वायरस के साथ था। तो सार्स वायरस का जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है सार्स कराने के लिए, तो वो वायरस का नाम है SARS-CoV-1 मीन्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कोरोना वायरस 1। तो ये वायरस का जो सिमिलरिटीज है ये हमारा अभी जो कोविड-19 का जो वायरस है इसके साथ बहुत मिलता जुलता है। इसीलिए इस डिजीज के जो वायरस रेस्पॉन्सिबल है, ये डिजीज कराने के लिए जो वायरस रेस्पॉन्सिबल है उस वायरस के नाम इसी के नाम से दिया गया। क्या ना? सार्स कोरोना वायरस 2, इसका नाम था सार्स कोरोना वायरस 1, और इसका नाम पड़ गया सार्स कोरोना वायरस 2। अभी आपको समझ में आ गया डिफरेंट टाइप ऑफ कोरोना वायरस होते हैं डिफरेंट तरह का डिजीज करने के लिए, जिसमें एग्जाम्पल क्या क्या हमने बताया ना, दैट इज कॉल्ड सार्स, मार्स एंड कोविड-19। ओके, नाउ हम डिस्कशन करेंगे कोविड-19 के बारे में। दिस इज द नेम ऑफ वायरस दैट कॉज कोविड-19। उसके फुल फॉर्म क्या होता है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। किसके नाम से पड़ा है? सार्स डिजीज के नाम से पड़ा है। सार्स डिजीज में जो कोरोना वायरस था उसका नाम था सार्स कोरोना वायरस 1, और ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 सार्स कोरोना वायरस 1 के साथ बहुत सारा सिमिलरिटीज है। इसीलिए कोविड-19 में जो वायरस देखा जाता है वो वायरस का नाम सार्स वायरस के नाम से ही पड़ा। ओके, इट वाज फर्स्ट सीन। अब देखिए ये कोविड-19 पेशेंट पहले कहां देखा गया ना, इट वाज सीन इन चाइना। व्हिच सिटी? वुहान सिटी, दैट इज व्हाट कैपिटल ऑफ चाइनीज प्रोविंस हुबई। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज? फीवर, ड्राई कफ, फैटिक। फैटिक मीन्स टायर्डनेस, इसका मतलब होता है टायर्डनेस। हेडेक, देन डायरिया, जो डिसेंट्री होता है बहुत सारा, डायरिया, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ओके, ये अभी रिसेंटली ये सब तो बहुत कॉमन है। रिसेंटली कोविड-19 पेशेंट में देखा गया कि क्या ना, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ना अच्छा स्मेल आ सकता है ना ही अच्छा स्मेल आ सकता है। तो इट अफेक्ट ऑल्सो टंग, द टेस्ट बड ऑफ टंग। देन थ्रोट पेन, थ्रोट पेन होता है एंड ए रस ऑन स्किन, स्किन में धब्बा पड़ जाता है, रस मीन्स धब्बा, छोटे छोटे धब्बा, रेड रेड धब्बा पड़ जाता है। देन डिसकलरेशन ऑफ फिंगर एंड टॉ, हमारा फिंगर, ये फिंगर का कलर जो ओरिजिनल कलर है वो फेड होने लगता है। और टॉ मीन्स आपके पैर की उंगलियों को टॉ बोलते हैं, तो ये टॉ में भी डिसकलरेशन करा देता है। सीरियस सिम्टम्स, ये कॉमन सिम्टम्स है। सीरियस सिम्टम्स क्या है ना, देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। देन चेस्ट पेन, लॉस ऑफ स्पीच, बात करने में प्रॉब्लम होगी। दीज आर सीरियस सिम्टम्स। ओके, ये सिम्टम्स जो कॉमन सिम्टम्स सबको हो सकता है, ये सीरियस सिम्टम्स मैक्सिमम देखा गया है जिन पेशेंट को ऑलरेडी कुछ और क्रोनिकल डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, इस तरह का पेशेंट में ये सीरियस सिम्टम्स देखा गया है। वैक्सीन, अब आते हैं हम, वैक्सीन क्या होता है। देखिए वैक्सीन में बताइए कौन सा ड्रग्स होता है। माइंड इट, वैक्सीन में कोई ड्रग्स नहीं होता है। वैक्सीन में जिस डिजीज के एग्नेस्ट में जो वैक्सीन दिया जाता है उस वैक्सीन में उसी पैथोजन रहते हैं। पैथोजन माने माइक्रोब, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस। जैसे हम बात करेंगे पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन में क्या होता है ना, वही पोलियो वायरस का डेड और वीक फॉर्म प्रेजेंट रहता है। जब हम इंजेक्शन या ओरल या माउथ में पोलियो ड्रॉप भी दिया जाता है, देते हैं, तब क्या होता है ना, वो पोलियो वायरस इंटर करता है हमारे बॉडी में, जो कि वीक और डेड फॉर्म में रहता है, जिसे हम एंटीजन बोलकर बोलते हैं। हम आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्यूनो सिस्टम डिटेल्स बताएंगे। ये वायरस जब डेड और वीक वायरस हमारा बॉडी में इंटर करता है, हमारा ब्लड में एक कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा एक एंटीबॉडी तैयार करता है। एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा तैयार करता है, जिसे बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन। ओके, जो कि इस तरह का वाई शेप का प्रोटीन होता है, वायरस के साथ अटैक करके उसके सरफेस में चिपक जाता है, सो दैट ये वायरस हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, उसमें चिपक जाता है। उसके बाद वाई शेप गामा ग्लोबुलिन, जो कि एंटीबॉडी कहा जाता है, ये एंटीबॉडी हमारा उस वायरस के सरफेस में चिपक जाता है, सो दैट और वायरस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल के साथ अटैच नहीं हो पाता है। फिर WBC इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब WBC क्या है, वाइट ब्लड कर्पसल्स, जो कि हमारा फेगोसाइटिक कंपोनेंट ऑफ, फेगोसाइटिक माने किलिंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इसका अभी तक कोई वैक्सीन मतलब बनाया नहीं, अभी तक इसका कोई वैक्सीन मार्केट में आया नहीं, लेकिन नियर अबाउट 150 कंट्री ट्राइंग टू प्रिपेयर दी वैक्सीन अगेंस्ट दी कोविड-19। हमारे भारत में भी 7 फार्मास्यूटिकल कंपनी इस वैक्सीन को बनाने में लगे हैं। IMCR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, डेवलप ए इंडिजेनस कोविड-19 वैक्सीन। इंडिजेनस मीन्स भारत में ही निर्मित। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वैक्सीन, दैट इज BBV152 एंड select 12 institute for clinical trial of COVID-19 vaccine. Clinical trial क्या है? Before placing the vaccine in market, उसके कुछ टेस्ट किया जाता है और उसके कुछ फेज से गुजरना पड़ता है। फेज माने होता है चरण, इसके चरण से गुजरना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो इसके 4 फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज वन में सब्जेक्ट और वॉलेंटियर्स, जिसमें ये वैक्सीन और ड्रग दिया जाएगा, उसे हम सब्जेक्ट और वॉलेंटियर्स बोलते हैं, जो कि हेल्दी होते हैं, माइंड इट हेल्दी होते हैं। उनका नंबर थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, कितना, 20 से 80 वॉलेंटियर्स। उनमें ये वैक्सीन का स्मॉल रेंज, मतलब छोटी डोज, थोड़ी मात्रा में इन्हें वैक्सीन दिया जाता है और ये ऑब्जर्व किया जाता है उनके बॉडी में इस वैक्सीन का क्या इफेक्ट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड फेज 1। नाउ कम टू फेज 2। फेज 2 में नियर अबाउट 100 to 500 पेशेंट लिया जाता है। अब समझ में आया, पेशेंट मतलब क्या ना, सपोज कोविड-19 पेशेंट है, तो कोविड-19 पेशेंट को जो वैक्सीन दिया जाएगा, जो मतलब वो वैक्सीन कोविड-19 के लिए बना है तो उसे किसे दिया जाएगा ना, वही कोविड-19 पेशेंट को ही दिया जाएगा। दैट इज इंक्लूड्स अंडर फेज 2। अब आते हैं फेज 3। फेज 3 इज ए कंफर्म स्टेज और कंफर्म फेज। यहाँ नियर अबाउट 500 टू 3000 पेशेंट को लिया जाता है और उनमें देखा जाता है कि एक्चुअली में ये वैक्सीन इन पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर ठीक ठाक काम कर रहा है तो फेज 3 कंफर्म हो जाते हैं। नाउ फेज 4 में ऑल मार्केट में वैक्सीन को छोड़ दिया जाता है और ऑल पब्लिक के लिए इसे यूज में लाने के परमिशन मिल जाता है। उसके बाद भी ऑब्जर्वेशन में रहते हैं कि सब पीपल जब वैक्सीन लेंगे उनके ऑब्जर्वेशन करके ये पता लगाया जाता है कि सब पीपल में ये पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे रहा है तो इसे फिर मार्केट से विड्रॉल कर दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल। ओके, अब एक छोटी सी वीडियो के जरिए हम ये SARS-CoV-2 मींस SARS कोरोना वायरस 2 के बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। दिस इज द फिगर ऑफ SARS कोरोना वायरस 2। ओके, देखिए ये जो प्रोटीनियस स्पाइक है कोरोना लाइक, तो अभी देखिए इन्फेक्शन हो चुका है किसमें, सेल में, दैट इज कॉल्ड कोरोना कोविड-19 ओके डिजीज। तो देखिए कैसे हमारे सेल में इन्फेक्ट कर रहा है। अब ये इंडिविजुअल फिगर ऑफ कोरोना वायरस, देखिए इसमें जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए होता है वो है, उसके बाद इट इज कवर्ड बाय प्रोटीन सेल। ओके, देखिए उसके बाद ये सब उसके प्रोटीन स्पाइक है जो हमारे क्राउन के लाइक सब्सटेंस, देखिए क्राउन की तरह है, इसीलिए इसे क्राउन को लैटिन में कोरोना बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कोरोना वायरस। ओके, डिटेल्स देखिए वो जो प्रोटीनियस स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद कैसे इन्फेक्शन हो रहा है। देखिए इन्फेक्टेड पर्सन खांसी के या कफ के जरिए ये वायरस एयर में आता है और फिर देखिए नॉर्मल पर्सन के शरीर में एंटर करता है। अब देखिए थ्रोट सेल में फर्स्ट ये एंटर करता है। देखिए ये हमारा थ्रोट सेल में जो मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर होता है वो स्पाइक आकर उसमें अटैच हो जाता है। अब देखिए ये सेल के भीतर एंटर कर चुका है। ओके, देखिए सेल के भीतर एंटर कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन सैक जो कि उसके अंदर घुस रहा है। तो अब घुसने के बाद हमारे लंग्स में जाकर के इन्फेक्शन करा रहा है कौन, कोरोना वायरस। और अब देखिए इसके सिम्टम्स, दैट इज डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, कफ, देन फीवर एंड कंफ्यूजन, हेडेक, देन मसल पेन, देन फैटिक। फैटिक का मीन्स होता है टाइडनेस। देखिए जब भी सीवियर सिम्टम्स दिखा जाता है जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो वेंटिलेटर के तरीके से, वेंटिलेटर के सहारे से हमारा ब्रीदिंग सिस्टम भी किया जा सकता है। देखिए हमारा हो रहा है। अब आइए इसके वैक्सीन जो हमारा थ्रू आउट दी कंट्री, बहुत सारे कंट्री थ्रू आउट दी वर्ल्ड वैक्सीन बनाने में लगे हैं। देखिए किस तरह से वैक्सीन बनाया जा रहा है टू क्योर दी कोविड-19। देखिए बहुत सारा कंट्री लगे हुए हैं हमारा वैक्सीन बनाने के। अब देखिए वैक्सीनेशन कैसे होता है, तो वैक्सीन देने के बाद देखिए हमारा प्लाज्मा में एक गामा एंटीबॉडी, गामा ग्लोबुलिन बोल के प्रोटीन जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो कि वाई शेप क्या होता है और ये हमारा प्रोटीनियस स्पाइक से चिपक जाता है। देखिए प्रोटीनियस स्पाइक से सब चिपक गया है। अब ये जाकर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच नहीं हो पाता है और ये WBC उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच नहीं हो पा रहा है और WBC इसे डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। अब चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू आर गिविंग, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर IAS हो, सिविल सर्विस एग्जाम हो, तो इन सब में हमारा ये क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। तो देखिए फर्स्ट, व्हाट डज CO स्टैंड फॉर कोविड-19। तो देखिए CO स्टैंड फॉर व्हाट, दैट इज कॉल्ड कोरोना। Clear? Then what does VI stands in COVID-19? That is virus. Then what does D stands for COVID-19? That is disease. Coronavirus disease, since it was first seen in 2019, that's why it is called what? COVID-19. Okay. Now, which is the word body that is advising for COVID-19? So answer is WHO. That is World Health Organization. Clear? Next. When do symptoms starts appearing for COVID-19? That is 2 to 14 days. Who is more susceptible for COVID-19? That is एज पर्सन, मतलब वृद्ध व्यक्ति और वृद्धा व्यक्ति और चाइल्ड. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. हाउ मच अल्कोहल शुड बी sanitizer contain the COVID-19? That is nothing but 70%. What is the distance to be maintained to prevent the spread of COVID-19? That is 6 feet. Okay. In which Chinese province was the first case COVID-19 discovered? I already told explanation में मैं बताया था कौन सी? That is called Hubei. Hubei का capital Wuhan. Wuhan city में first time देखा गया था. Then अब ये देखिए, आपको एग्जाम में प्रोविंस अगर पूछता है तो आप हुबई लिखेंगे, अगर सिटी पूछता है तो वुहान. ओके, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ वायरस कॉजिंग कोविड-19? दैट इज SARS-CoV-2. ओके, तो सार्स का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है. तो फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट. एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, बहुत जल्दी तीव्र. सार्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जो कि सार्स डिजीज के साथ रिलेटेड है. नाउ द वर्ड क्वारंटाइन कम फ्रॉम व्हाट? द नंबर 40. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द वर्ड क्वारंटाइन, क्वारंटाइन ओरिजिनली कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड. द नेम वाज, दैट लैटिन वर्ड इज क्वारंटा, क्वारंटा गोइरिनी. क्वारंटा गोरिनी, which means 14 days. इसका literally means होता है 14 days. Okay. तो एक्चुअली में ये क्या है 14 days? देखिए, 14th सेंचुरी में एक सिटी, कोस्टल सिटी था इटली में, जहां की प्लेग हो चुका था. प्लेग भी एक पैंडेमिक डिजीज है, आप सबको पता ही होगा प्लेग के बारे में. आप सबको पता ही होगा प्लेग के बारे में, जो एक पैंडेमिक डिजीज था, महामारी जो चूहे से मेनली फैलता है. तो ये 14th सेंचुरी में इटाली के कोस्टल सिटी में प्लेग के महामारी बहुत फैल गई थी. इसलिए बाहर से जो इंसान आते थे और शिप में जो इंसान आते थे, उन्हें 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता था. अब देखिए, क्वारंटाइन आइसोलेशन में डिफरेंस क्या है? क्वारंटाइन का मतलब होता है जिनमें बीमारी होने की लक्षण कोई ना हो, लेकिन उनमें होने की संभावना होता है, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए सबसे अलग रखा जाता है, जिसे हम क्वारंटाइन पीरियड कहते हैं. अब समझ में आया क्वारंटाइन क्या होता है? जिनमें कोई लक्षण नहीं होता है, काश आ सकता है, इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए हमारे सोसाइटी से अलग रखा जाता है, जिसे कहते हैं क्वारंटाइन. अब आइसोलेशन किसे कहते हैं? आइसोलेशन मींस सिम्टम पेशेंट, जिन्हें वो डिजीज हो चुका है, जैसे कि कोरोना पेशेंट. तो हमारा कोविड-19 पेशेंट में ऑलरेडी दैट वायरस आ चुका है और उसे सिम्टम्स हो रहा है, तो उसे सबसे अलग जगह में रखकर उसके ट्रीटमेंट किया जाता है. दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन. इसीलिए वो नंबर 40 से ही ये क्वारंटाइन डेवलप हुआ है. समझ में आ गया सबको? अभी देखिए, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. आफ्टर शोइंग सिम्टम्स टोल्ड टू डैश फॉर 14 डेज, दैट इज सेल्फ आइसोलेट. अभी अब मैं बता चुका हूं आप लोगों को, सिम्टम्स हो गया है, सिम्टम्स हो जाने के बाद उन्हें किस में रखा जाता है? आइसोलेट में. अगर सिम्टम्स नहीं है तब टर्म आएगा क्या? क्वारंटाइन. क्लियर? ओके. हु ऑन 11th February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak that is called COVID-19. Now come to question number 14. From where coronavirus got its name? That is crown-like projection. I already told which is the related to coronavirus. अभी मैं बता चुका हूं कि कोरोना वायरस जो हमारा कोविड-19 के जो वायरस है किसके साथ बहुत सिमिलरिटीज है ना, सार्स के साथ। ये वीडियो आपको आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए जरूर हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।